भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने आज जयपुर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर चतुर्वेदी ने भाजपा द्वारा आयोजित होने वाली आक्रोश रैली की जानकारी देते हुए बताया कि जन आक्रोश रैली 1 दिसंबर से प्रारंभ की जाएगी। इस मौके पर चतुर्वेदी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार पर आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और राजस्थान में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप पकड़े जा रहे हैं और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं, आज कांग्रेस के विधायक अपने मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मंत्री मंत्रियों के ऊपर लगा रहे हैं और मिलकर के ये सब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात होती है जब मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शिक्षक दिवस के दिन 2 शिक्षा मंत्री 3 शिक्षा मंत्री मंच पर बैठे थे और शिक्षकों से मुख्यमंत्री पूछते हैं क्या ट्रांसफरों में पैसे लिए जाते हैं, सब एक मत से कहते हैं कि लिए जाते हैं। उसके बाद भी आज भी मंत्री आज अपने पदों पर बैठे हुए हैं और उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। लगातार खुद आज सत्ता का संघर्ष राजस्थान में चल रहा है। मैं एक बहुत पहले 75-70 के दशक में एक पिक्चर आई थी, अमृत नाटा जी पाली के रहने वाले थे, किस्सा कुर्सी का, बाद में श्रीमती गांधी ने उसको बैन किया। आज राजस्थान में पूरी तरह किस्सा कुर्सी का चल रहा है और एक व्यक्ति दूसरे को गिराने का पूरा षड्यंत्र। इसमें सारी राजस्थान की जनता पिस रही है, उनके मौलिक विषयों को पूरे नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक जन आक्रोश रैली निकालने का तय किया। औपचारिक उसकी लॉन्चिंग 1 तारीख को जयपुर से लगभग 55 रथों की रवानगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी रवाना करेंगे। बाकी 1 दिसंबर को जयपुर संभाग के रथों की रवानगी वहाँ से करेंगे और बाकी सब जिलों में सीधे सीधे रथ पहुँचेंगे। ऐसे 200 विधानसभाओं में रथ चलेंगे, 1 से 14 तक यात्रा चलने वाली, 1 को जयपुर से रवाना करेंगे। इसी प्रकार 3 तारीख को विधानसभाओं में पहुंचेंगे, 3 और 4 दो दिन तय किए हैं जिन दिनों में अलग अलग विधानसभाओं में रथ रवाना होंगे। किसी विधानसभा में 30 को रवाना होगा, किसको 4 को, और ये 13 और 14 मतलब 3 तारीख को जहाँ शुरू होगा और 13 को पूरा यात्रा पूरी होगी, जहाँ 4 को शुरू होगा और 14 को यात्रा पूरी होगी। इस यात्रा में पार्टी का थीम सॉन्ग भी है, लोगो इसमें है, एक शिकायत पेटिका इसमें रखी है, जिस शिकायत पेटिका में लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे और लोगों की शिकायतों का भी संकलन इस सबके माध्यम से किया जाएगा। इन सब के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ जहां हम आरोप पत्र तैयार करने काम करेंगे और आरोप पत्र विधानसभा हम राज्य स्तर पर भी करेंगे, जिला स्तर पर भी और विधानसभा स्तर पर चुनाव में लेके जाएंगे। उसी के साथ साथ जन घोषणा पत्र भी भारतीय जनता पार्टी सुझावों के आधार पर एक तैयार करेगी, जिसके आधार पर अपने आने वाले चुनाव का एजेंडा सरकार में आने के बाद हम किस प्रकार काम करेंगे वो जनता के बीच रहेगा। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में रह गया सिर्फ 1 साल का समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता। सबसे पहले अजमेर संभाग की जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। अगर छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, अगर रह गया आपके क्षेत्र का विधायक उम्मीदवार, तो आप स्वामी न्यूज के फेसबुक के प्लेलिस्ट पर जाकर उसके कमेंट बॉक्स पर जाकर वहां कमेंट करें और जानकारी दें कौन होगा 2023 में आपके क्षेत्र का विधायक उम्मीदवार। अगर छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, अगर रह गया आपके क्षेत्र का उम्मीदवार, तो आप स्वामी न्यूज के यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाकर उसके कमेंट बॉक्स में जाकर वहां कमेंट करें। साथ ही किस पार्टी से रख रहा है विधायक दावेदारी ये भी बताए और जानकारी दे कौन होगा 2023 में आपके क्षेत्र का विधायक उम्मीदवार।